हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो मैं अभी जा रही हूँ भरूच गुजरात। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि मैं ऑलमोस्ट गुजरात में रहती हूँ, तो भरूच आती जाती रहती हूँ। तो बिकॉज ऑफ वर्क लाइक कोलैबोरेशन एंड ऑल, तो मैं अभी एक रेस्टोरेंट में जा रही हूँ। सो गाइस, मैंने ऑलमोस्ट मतलब खाना मंगवा लिया है। मैंने मोहितो मंगवाया है, चिकन क्रिस्पी, बर्गर और पॉप्स, बिरयानी, सब कुछ ऑर्डर करके रखा है। मुझे बहुत भूख लगी थी और यहाँ का खाना एक नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो बर्गर, हॉट डॉग्स एंड ऑल सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि मोहितो सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस, मैंने ऑलमोस्ट सब खाना मंगवा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। मुझे तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। आप एक बार ज़रूर आना अगर आप भरूच के आसपास रहते हो या भरूच में रहते हो, तो ज़रूर अब एक ट्राई करना। खाना अच्छा मिलता है। बाकी हम चलते हैं घर वापस, ठीक है। सो गाइस, मैं घर वापस आ चुकी हूँ और अभी मैं बाहर जा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम यू नो वर्क, दैट्स व्हाई। और मेरा यहाँ पे स्टैंड खड़ा रखने का कुछ सामान ही नहीं है बिकॉज ऑफ मेरा स्टैंड ख़राब हो गया है इस वजह से। और आप देख सकते हो मैंने अबाया पहना हुआ है और मैं अबाया ऑलमोस्ट पहनती ही हूँ बाहर निकलते समय, बट मैं ज़्यादातर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। और ये 3 लेयर्स निकाब है जो मैं अभी पहन रही हूँ, आप देख सकते हो। और मेरा घर थोड़ा सा बिखरा पड़ा है, सो इग्नोर गाइस, बिकॉज ऑफ सम वर्क के रीज़न से मैं अभी थोड़ा बहुत समेट नहीं पा रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने नकाब पहना है बट विदाउट इसका, बट आप देख सकते हो ये 3 लेयर निकाब है और बहुत ही कंफर्टेबल है इसके साथ। आप अगर इसका आप नहीं भी पहनोगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, जैसे कि मैंने पहना है, आप देख सकते हो। आपको ऐसा पता नहीं लगेगा कि आपने कुछ नहीं पहना है, ऐसा ही लगेगा कि आपने निकाब के नीचे हिजाब पहना हुआ है। तो मैं ऐसे ही पहनती हूँ समटाइम। तो आप देख सकते हो 3 लेयर्स निकाब बहुत ही अच्छा रहता है पहनने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गर्मियों में इसे निकाब पहनने चाहिए। इससे क्या होता है कि हमको हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं रहती है। और आप इस तरीके से भी अपने आंखें भी ढक सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। बाकी आप हिजाब पहनना चाहो तो आपकी मर्ज़ी पहन सकते हो, बट गर्मियों में अगर आप नहीं भी चाहते तो नहीं पहनो, इच्छो के चलता है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ एक बार।
मित्री फाटक के पास, क्योंकि मुझे जाना है युवा मॉल, और युवा मॉल जाने के लिए मुझे यहाँ से ही रास्ता पकड़ना होता है। इस वजह से तो यहाँ से ही ट्रेनें गुजरती है ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा दूर खड़ी रहती हूँ। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो फाटक के बहुत नज़दीक खड़े रहते हैं, ये थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा दूर ही खड़ा रहना चाहिए हमेशा फाटक से। आप देख सकते हो वो बाइक खड़ी है ना, इस तरीके से नहीं खड़ा रहना चाहिए, इतनी दूरी तो बनाई ही रखनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि क्या पता कब क्या हो, यू नो दैट्स वाई। तो मैं तो बहुत दूर खड़ी हूँ, आप देख सकते हो, और मैं अभी जा रही हूँ फॉर द हेयर स्पा इवा मॉल। तो थोड़ा कल ईद भी है, तो थोड़ा हेयर का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं करवाती हूँ, बस थोड़ा हेयर रफ हो जाते हैं ना कभी कभी, तो हेयर वॉश वगैरह करवाना चाहिए। तो मैं इसी सैलून इसी वाले सैलून पे जाती हूँ, ये जो अभी मैं आपको बताऊँगी वो वाले सैलून पे जाती हूँ, क्योंकि ये सैलून जो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे परफेक्ट मुझे ट्रीटमेंट मिलती है, मेरे बालों को ट्रीटमेंट मिलती है। आप देख सकते हो मेरे बाल मैंने कितने कम करवा दिए थे, अभी कितने लंबे हो गए हैं, इनके हार्ट जो पड़ते हैं ना मेरे बालों पे तो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं इनके पास ही अपने हेयर की ट्रीटमेंट करवाती हूँ। सो गाइस चलिए हम आपको मिलते हैं वहाँ पर जाके, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सो गाइस मैं अभी सैलून पे आ चुकी हूँ, और आप देख सकते हो मेरे हेयर की लेंथ कितनी बड़ी है। अभी हम हेयर कट या हेयर वॉश हेयर स्पा वगैरह करवाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो नहीं तो सब्सक्राइब ही कर लेना प्लीज़।
गाइज़, अगर आपको ये लास्ट वाली वीडियो पूरी देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है सुरैया074, सुरैया4 करके आईडी है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।